हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल आई जिंदगी एकेडमी में। तो मिशन बीपीएससी के तहत अब हम रिवीजन करने जा रहे हैं, जो भी 16 दिन बचे हुए हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के। तो मैं एक स्मार्ट स्ट्रेटजी तैयार किया हूँ, उसके तहत आपको जरूर कामयाबी मिल पाएगी, क्योंकि मैं वो स्ट्रेटजी अपने लिए तैयार किया हूँ। तो ये जो 16 दिन बचा हुआ है, उसमें हम जो भी रिविजन करेंगे 2 से 3 बार हमारे जो कंटेंट में जो हमने किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा खासा प्रिपेयर कर चुके होंगे। फिर भी बच्चे क्या होता है कि लास्ट में अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाते हैं, उसके कारण पेपर में जब देने बैठते हैं तो हमें याद नहीं आता है जो हमने पढ़ा रहता है। तो ये जो 16 दिन बचे हुए हैं, उसमें हम अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम साइंस सेंट्रिक पोर्शन को ख़त्म करेंगे। तो हर जो सेक्शन है उसको हम 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम से पहले। तो हमने जो एनालाइज किया था कि साइंस एंड टेक से 20 से 25 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आ ही जाते हैं हर बीपीएससी प्रीलिम्स में, तो इसलिए साइंस एंड टेक को हम पहले देखेंगे आज। उसके बाद हम कल बिहार की हिस्ट्री को देखेंगे, फिर नेक्स्ट दिन मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर नेक्स्ट में पॉलिटी इकोनॉमी को देखेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में मैं डाल दूंगा जो भी मेरा स्ट्रेटेजी है कि किस दिन और किस दिन कितने सेशन में लूँगा। तो मैं रिवाइज कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे साथ ज्वाइन करिएगा और रिवाइज करिएगा, ताकि आपको भी सक्सेस मिल सके इस 66th बीपीएससी प्रीलिम्स में और क्वालिफाई होकर मेंस के लिए तैयारी कर पाए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज कि साइंस एंड टेक्स पोर्शन को। तो बायोटेक्नोलॉजी आखिरकार क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर है 4th ऑप्शन, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। नेक्स्ट क्या है? अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी जो मोनसेंटो है, वो प्रोड्यूस किया है इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन वैरायटी, जो कि फील्ड ट्रायल में है भारत में, और जो जो इसका जो ट्रांसफर किया गया है, तो आखिरकार पूछा गया है कि कौन सा बैक्टीरिया से ट्रांसफर होता है। तो ये बी आंसर है, बेसिलस थ्रोनजेनेसिस। तीसरा जो जो है क्वेश्चन, वो है जेनेटिकली इंजीनियर जो गोल्डन राइस है, इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर है जो तरीका बी, जो कि है कैरोटीन, बी कैरोटीन, विटामिन ए, फॉलिक एसिड। 4 का जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल हैज द एबिलिटी टू डेवलप इनटू एनी टाइप ऑफ ऑल। ठीक, तो नॉर्मल सेल, एक्टोडर्मल सेल, स्टेम सेल, मसल सेल, तो 4 दिया गया है। तो इसका आंसर है स्टेम सेल। Which one of the following contains powerful oxidative enzymes and help in removing toxic substance from cells? तो इसका आंसर है peroxisome। Next है introduction of foreign genes for improving genotype use। तो ये है genetic engineering। Distribution of clean and quality milk throughout the world has been made possible through work of ये इसके थ्रू हुआ था जो milk revolution डायरेक्टली पूछा जा रहा है। तो ये जो पेस्टियर थे के द्वारा और इंडिया में कस्तूरी रंजन के द्वारा किया गया था जो मिल्क रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन इन यहाँ डिस्कवर्ड बाय स्मिथ एंड नथन्स। नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अलाउ जो जीन करता है ट्रांसफर का, वो करता है अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट और फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म, मींस 1 and 3 एज सरफेस कांच। तो न्यूक्लियस जो एंजाइम है विच बिगिन करता है अटैक, फ्री फ्रॉम जो एंड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, वो आखिरकार क्या है? तो इसका एक्सो न्यूक्लियस है, और जो एंजाइम है जो कि यूज्ड एज अ मॉलिक्यूलर सीजर जो किया जाता है जो कट करने के लिए डीएनए स्पेसिफिक साइट्स फॉर वेरियस जो पर्पसल साइट्स जेनेटिक इंजीनियरिंग का, वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। प्लासेंट जो है वो क्या है? ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोनल डीएनए एलिमेंट से बैक्टीरिया में। नेक्स्ट जो है एंटीबायोटिक बिलोंग करता है कैटेगरी ऑफ मेडिसिन का। मॉडिफाइड एंटीबायोटिक्स जो है वो गॉड थ्रू है इसका। तो ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। इंजाइम टीपीए जो है प्लाज्मा में एक्टिव
वेटर है यूज करता है, यूज किया जाता है कि फिजियोलॉजिकल ब्लड क्लॉट्स मेंटेनिंग प्लाज्मा कंटेंट क्लियरिटी टर्बिडिटी ऑफ जूस स्टिमुलेटिंग वो प्लास्टिक प्रोटेक्शन। तो ये डिजॉल्व ब्लड क्लॉट्स के लिए यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट है कि जेनेटिकली जो इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय द यूज ऑफ जो है ई कॉइल के लिए। तो एंटीबायोटिक्स है इनहेबिट करता है ग्रोथ ऑफ और डिस्ट्रॉइंग किस चीज़ का बैक्टीरिया बैक्टीरियन वायरसेस बैक्टीरिया फंगी वायरसेस बैक्टीरिया एल्गी वायरसेस। तो ये बैक्टीरिया फंगी और वायरसेस तीनों के लिए यूज किया जाता है जो डिस्ट्रॉय करता है ग्रोथ का एंटीबायोटिक्स। और ये जो विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है गोल्डन राइस में वो विटामिन ए है। और ह्यूमन प्रोटीन जो X1 है एंटी फाइसिंग भी यूज किया जाता है कौन सा डिजीज के लिए, ये इम्फाइजमा के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन जो विच ऑफ द फॉलोइंग जो रिपोर्ट किया जाता है मॉलिकुलर ग्लू, तो ये है DNA लिगेस। तो सदर्न ब्लॉट टेक्निक जो यूज किया जाता है डिटेक्शन किस चीज़ के लिए, तो DNA के लिए सदर्न ब्लॉट टेक्निक यूज किया जाता है। नॉर्दर्न ब्लॉट टेक्निक यूज किया जाता है किस चीज़ के लिए, तो ये RNA के लिए यूज किया जाता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ एंशियन बायोटेक्नोलॉजी जो है वो यूज किया जाता है इंसुलिन के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड बाय फैक्टरी जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो कौन सा यूज नहीं किया जाता है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो एनोफेलस यूज नहीं किया जाता है। एडवांसमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के कारण होता है। फर्स्ट हार्मोन जो कि प्रिपेयर किया गया था जेनेटिक इंजीनियरिंग में वो इंसुलिन किया गया था। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर सेक्शन में, तो आप देख पा रहे होंगे डिफरेंट क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए गए हैं, परसेंट प्रोड्यूस जो बेस्ट रेसिस्टेंट वैराइटीज ऑफ प्लांट, परसेंट इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट, परसेंट इंक्रीज द सीड नंबर, परसेंट इंक्रीज द प्लांट वेट। तो परसेंट इंक्रीज द बेस्ट रेसिस्टेंट वैराइटीज ऑफ प्लांट के लिए प्रोड्यूस जो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क आर एसोसिएटेड विद जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, तो एलर्जिक रिएक्शन होता है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप जो कि यूज किया गया था वो है टोबैको, ट्रांसजेनिक क्रॉप टोबैको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस वेयर यूज्ड बाय कोनन एंड बोहर DNA एक्सपेरिमेंट फॉर आइसोलेशन ऑफ क्लोनल बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियल प्लाज्मा दोनों के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA लाइब्रेरी जो कंस्टिट्यूट करता है कलेक्शन ऑफ ऑल DNA फ्रेगमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इंसर्टेड इन प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ मेथड जो कि यूज किया जाता है डिफरेंस करने में DNA वन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर जो कि होता है वो है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट हेल्थ पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट, कौन सा यूज किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ह्यूमन एसेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कौन सा एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉमिट्स, ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर नहीं आता है और जो तीन है वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिंजल नोन एज पिटी ब्रिंजल हैज बीन डेवलप्ड, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज ऑब्जेक्टिव टू मेक इट पेस्ट रेसिस्टेंट। ये पिटी सीड्स इज एसोसिएटेड विथ कॉटन विथ रेफरेंस टू सेम स्टेम सेल फ्रिक्वेंटली देन यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो इसका 2 और 3 करेक्ट है। स्टेम सेल्स कैन बी यूज फॉर स्क्रीन न्यू ड्रग्स, स्टेम सेल कैन बी यूज फॉर मेडिसिनल थेरेपीज विथ रेफरेंस टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट, ठीक है। तो 1, 3 और 4 करेक्ट है इसका। क्या क्या है डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वेयर इन कॉमन यूज बाई फर्स्ट सेंचुरी आईडी, कौन सा साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल वाज नोन इन फिफ्थ सेंचुरी आईडी, द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक पर्टिलाइजर वाज नोन इन 20th century AD। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रीजन फॉर द पीपल्स रेजिस्टेंस टू द इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी ब्रिंजल्स इन इंडिया, ठीक। तो दो ऑप्शन है 2 और 3 ओनली जो कि सही है। तो पहला जो है there is an apprehension that the consumption of beta brinjal may have adverse impact on health, सभी को डर है कि
जिनमें हमारे कुछ इम्पैक्ट हो सकता है. नेक्स्ट इज देयर इज सम कंसर्न दैट इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल में है एडवर्स इफेक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदर देन रेजिस्टेंट टू पेस्ट व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट ऑफ व्हिच जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट्स हैव बीन क्रिएटेड. तो इसका आंसर है सारा. तो टू इनेबल करता है स्टैंड ड्रॉट टू इंक्रीज करता है न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस. इनेबल करता है ग्रो फोटोसिंथेसिस साइज के लिए स्पेसिफिक और स्पेसिफिकेशन में, और ये इंक्रीज करता है सेल्फ लाइफ. तो ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी का सेक्शन था. हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में. तो हम टाइमर यूज कर रहे हैं ताकि पता कर पाएं कि हम कितने समय में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो सेकंड थर्ड रिवीजन करेंगे उसमें और हम टाइम को घटाएंगे ताकि कम समय में ज़्यादा रिवाइज कर पाएं और फिर हमें एग्ज़ाम में वो चीज़ याद पाए. हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को याद करके रखना है, कहीं से भी UPSC साइंस रिलेटेड क्वेश्चन को पूछ देता है. तो पहला क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ का. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश इन इंडिया. तो जिम कॉर्बेट है करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है इसका कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए गए हैं. तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा करेक्ट है. तो नेशनल पार्क जो कि है स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ लैंड और सी कोस्ट में आता है, या फिर पीपल जो कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम है, या फिर नेक्स्ट को ऑप्शन दिया गया है सेंचुरी जो है कंसर्न है कंजर्वेशन पार्टिकुलर स्पीसीज का. थर्ड है जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है कनेक्टेड है विद द हैबिटेट ऑफ अ पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल. तो इसका सही आंसर है सेंचुरी जो कि है कनेक्टेड कंसर्न कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकुलर स्पीसीज. नेक्स्ट है जो क्वेश्चन कि रेड डेटा बुक जो है कंटेन करता है इंफॉर्मेशन ऑन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल विच इज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन एज पब्लिश बाय द विच वन ऑफ द फॉलोइंग. तो आप देख पा रहे होंगे कि टिक लगा दिया गया है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स. नेक्स्ट है कंसिडर करना है फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया वेस्टर्न घाट ईस्टर्न हिमालय. तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय इसका करेक्ट है. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है एस्थेटिक वाइल्ड लाइफ पॉन्ड रन ऑफ कच्छ में. मैच करना है टाइगर रिजर्व और लोकेशन. आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क गिरफ्तार वेट लैंड सब आखिरकार कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है इंडिया में और क्या क्या लोकेशन उनका. लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन इंडिया से ज़्यादा पूछा जाता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन कंपेरिजन टू द वर्ल्ड जो लोकेशन है. तो आपको इंडिया का लोकेशन ये सब थोड़ा याद करके रखना चाहिए. पहला जो है वो पेंच है. पेंच जो है मध्य प्रदेश में है. मानस जो है असम में है. पेरियार जो है केरला में है. बंदीपुर जो है कर्नाटका. इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स बायोडाइवर्सिटी का क्या है तो आप देख पा रहे होंगे. इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी सभी है जेनेटिक डाइवर्सिटी स्पीसीज डाइवर्सिटी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इफेक्ट हाई एल्टीट्यूड बर्ड्स बिकेम रेयर प्लांट्स लाइकली टू डिसअपीयर आर रोडोडेंड्रन व्हिच वन इज नॉट एंडेंजर्ड एडॉक्स एंटीलोप्स. ऑर्गेनाइजेशन नॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डाटा बुक इज IUCN. ठीक है. हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर एरिया विथ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी. मेन कॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम ट्रॉपिक्स इज डिफॉरेस्टेशन. प्योरिटी इज अ मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ पॉल्यूशन विद ऑर्गेनिक मैटर एंड इट्स जो मेथड ऑफ कंजर्वेशन इज नेशनल पार्क. परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया कवर्ड अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी इज 33%. स्पीसीज लिस्टेड इन रेड डेटा बुक आर एंडेंजर्ड. साइलेंट वैली हैविंग रेयर प्लांट एंड एनिमल इज लोकेटेड इन केरला. साइलेंट वैली कहाँ है केरला में. लोगो ऑफ WWE एन इज रेड पांडा याद रखिए. विच ग्रुप हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज रेप्टाइल्स. नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंट इन इंडिया इज 40,000. विच पेयर ऑफ जियोलॉजिकल एरिया शोज मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री. ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट. हॉटस्पॉट एरिया ऑफ इंडिया अकर इन वेस्टर्न हिमालय. बायोडाइवर्सिटी फॉर्म द बेसिस फॉर ह्यूमन एक्जिस्टेंस इन द फॉरेस्ट. 23 क्वेश्चन. तो
सॉइल फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, तीन चीज के लिए बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन एक्सिस्टेंस काम आता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इन सीटू मेथड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा बोटेनिकल गार्डन। द रेड डेटा बुक्स पब्लिश बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स क्रिएटेड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। पोलर बियर्स आर कार्निवोरस एंड प्रे ऑन मेनी आर्कटिक बर्ड्स एंड बीज। हाउएवर अंडर नेचुरल कंडीशन नो वन ऑन पोलर बियर प्रीडेटिंग एनी पेंगुइन। दिस इज बिकॉज पोलर हेयर्स एंड पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स नियर कोएग्जिस्ट अंडर नेचुरल कंडीशन। द फार्मर lives in the North Pole while the latter lives in the South Pole. Which of the following is the smallest bird? Hummingbird. The coral reefs are the marine counterpart of scrubland. Development of natural system is described as self-sustained process of the system. Which one of the following strongly threaten biodiversity? Destruction of natural habitats and degradation of zoom cultivation. Consider the following. ब्लैक, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। तो ब्लैक नेकल क्रेन, फ्लाइंग स्क्वायरल और स्नो लियोपार्ड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंटीलोप्स ओरेक्स एंड चीरू। ओरेक्स इज यू अडेप्टेड टू लिव इन हॉट एंड एरिड एरियाज वेयर चीरू इज अडेप्टेड टू लिव इन स्टेपल्स एंड सेमी डेजर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। तो दो ऑप्शन है इसके, सही आंसर है फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट के लिए और इन्वेजन एलियन स्पीसीज का। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज 1, 3, and 4, बांदीपुर, मानस, सुंदरबन। हाउ डज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इंडियन एग्रीकल्चर। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी चेक द बायो पायरेसी एंड प्रोटेक्ट द इंडिजिनियस इंटरेस्ट जेनेटिक रिसोर्स। नेक्स्ट जो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मस्क डियर, रेड पांडा एंड एशियाटिक वाइल्ड डेयर। दिस कैन सर्वाइव इनसाइड अ फ्रोजन लेक बिकॉज वाटर नियर द बॉटम डज नॉट फ्रीज। ये हमारे बायोडाइवर्सिटी है।